यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी ठीक है होंगे। तो चलिए, आज मैंने फिर एंजॉय करने के लिए अपने गांव के नहर पे आए हुए हैं, तो मैं अभी नहर का वीडियो बनाऊंगा जहां पे पानी पास होता है। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को नहर का पूरा ये करके दिखाऊंगा कि कितना बड़ा नहर है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। उसके बाद इधर भी देखिए, नदी वगैरह सब है ये साइड में। इधर देखिए, जिधर मेरा बाइक रुका वो साइड भी नदी वगैरह है। तो ये नहर देखिए, इधर से आए हैं उत्तर से, तो ये दक्षिण की तरफ जा गए हैं। तो ये देखिए, ये दक्षिण की तरफ गए हुए हैं। यहाँ पे फाटक वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे फाटक लगी हुई है। ये देखिए, ये जो है ना फाटक, ये जो है, ये जो है, ये देखे हैं, ये वाला नहर को ढीला करने के बाद ये नीचे जाता है। ये जो नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद ये बंद हो जाता है। नीचे जाने के मोटा नट लगे हुए हैं ना, तो ये खोलने के बाद वो नीचे जाता है, तो पानी इधर उत्तर साइड बंद हो जाता है। तो ये देखिए, पानी देखिए पास हो रहा है ना। इधर देखिए, जाल वगैरह भी लगे हैं, उसको मछली पड़ते हैं। तो ये देखिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगे हुए हैं, 4 4 फीट 5 5 फीट पे लगे हुए हैं। 40 फीट का नहर है ये चौड़ाई में। तो ये देखिए, ये पानी यहाँ से निकासी होता है, ये नहर का पानी यहाँ से निकासी होता है। अभी तो जो छत वगैरह सब हुआ है ना, तो एक केला का जो दम पोचा बोलते हैं, वो आके यहाँ पे लग गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पानी पास हो रहा है, यहाँ से पानी का निकासी हो रहा है। ये देखिए पानी का निकासी यहाँ से हो रहा है, ऐसे ही पानी का निकासी होते रहता है। ये देखिए, जैसे पानी का निकासी होते रहता है। और ये साइड में आइए, ये साइड में आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये साइड में ऐसे जैसे है ना, ये यहाँ से आता है, तो ये देखिए, और ये यहाँ से ऐसे उठ के देखिए, ये पूरा आ जा रहा था। वहाँ भी आगे भी एक पुल है, उस पुल का ये है कि उस पुल के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो उस पुल में पानी कैसे पास होता है, ये वीडियो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से दिखाऊँगा। तो स्किप वीडियो को मत कीजिए, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। आपको हम वो चीज़ भी आगे दिखा रहे हैं। तो ये पुल अभी ये पूरा इस तरह से देख लीजिए, तो ये देख कितना मस्त नज़ारा है। तो ये मेरा व्लॉग में आप लोगों को ये सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एक पुराना पीपल गाछ है, ये गाछ को तकरीबन 200-300 वर्ष हो चुका है ये गाछ को। ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ को 200-300 वर्ष हो गया है। इधर भी नदी वगैरह है, तो ये देखिए नहर है। तो ये नहर का इस फाटक का तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए, मैं फिर यहाँ से पानी आगे कैसे निकासी होता है वो चीज़ भी दिखाते हैं। तो गाइज, वो देखिए आगे जो फाटक दिखाए थे, वो फाटक है, यहाँ से देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है। तो वहाँ से पानी देखिए किस तरह इसके अंदर में आता है। यहाँ पर है ना, एक अच्छा तरह से बना दिया है, नीचे से पानी फिर जैसे ये पुल हो गया, पुल हुआ, नीचे पुल हुआ, इसमें पानी आता है, उत्तर से पानी आता है, दक्षिण जो निकलता है ना, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ऊपर से नदी नहर पुल बनाया हुआ है, जो कि रास्ते है नहर पे और से पास होने वाले। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि इसके बीच में पूरब से पश्चिम आता है, पूरब से पानी आता है और पश्चिम की तरफ चला जाता है, पश्चिम की तरफ पानी चला जाता है, पूरब से पानी आता है। ये देखिए, पूरब से पानी आता है और इसके नीचे पुल बना हुआ है, जो कि अच्छा तरह से बना दिया है नीचे में, अंडरग्राउंड। ये इससे फिर पानी वो पिट निकल जाता है, वो पिट भी आपको मैं अभी नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो ये पानी एक उत्तर से आता है, दक्षिण चला जाता है नीचे होके, फिर यहाँ देखिए पूरब से पानी आता है, फिर ये पश्चिम चला जाता है। तो ये हमारे गाँव में ऐसा सा टेक्निक बना हुआ है जो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो हमारे जरिया पता हो रहा है। तो चलिए, ये देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए, ये पानी पूरब से आता है और पश्चिम की तरफ इधर जाता है। अभी तो पानी वगैरह कम हो गए हैं, सूख वगैरह गए हैं, तो उतना नहीं है। तो चलिए, मैं आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ कि उत्तर से पानी जो आता है ना, ये सीधा नीचे होके इसके अंदर होके पानी वहाँ निकलता है। तो मैं आपको उसका अभी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, बहुत अच्छा नज़ारा होता है आपका, जब पानी ज़्यादा रहता है ना, तो अच्छा नज़ारा होता है, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे घूमने वगैरह में। तो ये हमारे गांव में ऐसा सा अभी चीज़ जो पाया जाता है ना, ये पहले का जब बनाया हुआ, जब नहर बना था। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए पानी निकलता है, ये पीठ, ये देखिए पानी यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे पानी निकलता है, ये देखिए,
ये देखिए, ये इधर से पानी निकलता है, ये देखिए, ये देखिए इधर पानी चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पे बने हुए हैं जो टेक्निक है, इधर से पानी आता है, आपको इधर से देख लीजिए पानी आ रहा है, देख लीजिए वहाँ से पानी आते हैं, इसके नीचे घुस के पानी ये पीट निकल जाता है, ये देखिए ये पीट चला जाता है। तो अब ऐसे ही देखिए पूरब से इधर पानी आता है, इधर पश्चिम की तरफ चला जाता है। देखिए ये पुल बना हुआ है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे ही यहाँ पे है बने हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को और कुछ अपने बारे में ही बता देता हूँ, तो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो, और कमेंट कीजिए कि हमारे और वीडियो अच्छा अच्छा बनाऊँ। मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों की से, अभी दोस्त आप लोग फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि मैं अच्छा अच्छा और वीडियो बनाऊँ, मेरे गांव में जो टेक्निक बना हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखाऊँ। अभी मैं कुछ निराश हो गया हूँ, मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं यूट्यूब पे बना रहूँ तो मैं भी ग्रो कर सकूँ। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे इतना मज़ा मज़ा चीज़ दिखाता हूँ कि जो आप लोगों का दिल लगा रहे। तो मैं तो इतना ही सोचूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो देखने से इंटरेस्ट मिले, इन्जॉय मिले। तो ये देखिए मैंने कोई चीज़ भी दिखाता हूँ तो दिल लगने के लिए दिखा रहा हूँ कि दिल बना रहे। बिहार ये मेरा है ना, बिहार है, अररिया ज़िला है, तो ये ज़िला में क्या क्या चीज़ मिल पाया जाता है ये सब चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ बिहार भी बहुत पीछे नहीं है, अच्छा है। जो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक तो शिक्षित में कम है, नहीं तो सब चीज़ अच्छा है। तो ये देखिए ये नहर के बारे में आज मैंने बताया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को और अच्छा अच्छा चीज़ बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, थैंक्स।